यूपी के बदायूं की बात करते हैं, जहां एक शख्स पिछले 5 साल से कूली का काम कर रहा है, जिसके पास कूली होने का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वो फिर भी रेलवे अधिकारी के कहने पर कूली का काम कर रहा है, क्योंकि रेल अधिकारी उसे रेलवे में नौकरी रखने का बार बार आश्वासन दे रहे हैं। रेलवे अधिकारियों की लापरवाही के तो आपने अनेकों मामले सुने होंगे। क्या आपने कभी ये सुना है कि रेलवे अधिकारी किसी को नौकरी दिलाने के नाम पर पिछले 5 साल से सिर्फ कोरा आश्वासन देकर टरका रहा है? जी हाँ, ये सच है। मामला बदायूं का है, जहां एक शख्स सिर्फ और सिर्फ रेलवे अधिकारी के कहने पर पिछले 5 सालों से कूली का काम कर रहा है। खैर, कूली का काम कर रहा है कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि काम करना तो अच्छी बात है, लेकिन दुख तो तब होता है जब उसे काम करने के बाद भी वेतन न मिले। वेतन भी 1 या 2 महीने का नहीं, बल्कि पूरे 5 साल का। कूली की माने तो जब भी वो रेलवे अधिकारी से इस बाबत बात करता है, तो अधिकारी उसे रेलवे में ही नौकरी दिलाने की बात करके अपना पल्ला झाड़ लेता है। इतना ही नहीं, पीड़ित के अनुसार रेलवे अधिकारी ने उसे नौकरी दिलाने के नाम पर 3,000 रुपए भी ले रखे हैं। करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बदायूं जिला है। बदायूं जिले में हम रेलवे स्टेशन पे इस समय हैं, जहां पर कि यहां के जो कर्मचारी हैं उनके साथ अनियमितता बरती जा रही है। यही यहां पर आकर हमें पता चला, जब समाचार एक्सप्रेस की यहां पर टीम आई तो कुछ लोगों से मिली और उनसे पता चला कि यहां पर जो कर्मचारी हैं उनको ना ही वेतन दिया जा रहा है और ना ही उनके साथ जो है किसी भी तरह की सहूलियत बरती जा रही है। आइए हम बात करते हैं कुछ यहाँ के हैं। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद। हाँ जी, इरशाद जी, तो जान सकता हूँ आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं कुलीगिरी करता हूँ साहब। हाँ जी, तो आप कुलीगिरी करते हैं, तो कुलीगिरी का कोई प्रमाण आपको दी गई है, कोई कार्ड वगैरह आपको दिया गया है? जी सर, मैंने कागज जमा करे सारे, सब लगे हुए मेरे कागज, और मैंने मतलब अप्लाई करे कागज और दौड़ फौड़ भी लगाई थी मैंने सर, और दौड़ में थोड़ा मैंने अफसर ने कह दिया था एक साथ कट मार, तो मैं कट मार गया, उसमें जरा फेल हो गया अब, और लिहाजा 5 साल से कमाई मेरी के लोग बदतमीजी कर रहे हैं मेरे साथ में, कोई पैसा भी ना दे रहा है मुझे, और लिहाजा बदतमीज और कर रहे हैं मेरे साथ में। मेरी बीवी गलेवान पकड़ती है, कहती तू कुछ भी नहीं जाता पैदा करके, तू कैसा चले का आदमी है? तो मैंने कहा शर्म ऐसा है, मैं आपको लाऊंगा पैसा पैदा करके, जब मुझ पर पैसा होगा तब मैं चोरी और छिनरे ही करूँगा। अच्छा, बिल्कुल। तो इन्होंने इनसे आपने इस बारे में बात की थी कि आप हमें कूली का, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ पिछले 5 सालों से, आप तो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो इसकी कोई प्रमाणता इन्होंने आपको नहीं दिए, कोई सर्टिफिकेट हाँ। कोई कार्ड इन्होंने नहीं दिया है हाँ। उसके बावजूद भी आप काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में इन्होंने कहा नहीं कि कहीं मुझसे कोई भी पैसेंजर आके पूछता कि आपके पास कितना बिल्ला है ना एड्रेस है, तो उसके बारे में आपने कहा नहीं? मैंने तो बहुत कहा लोगों से जाके, और लोगों से प्रयास करी, अफसर लोगों से प्रयास करी, लिहाजा जो है अफसर लोग ये कहते काम होगा तेरा काटा जमाना तेरे काम होगा, काम कैसे होगा सर? मेरी बीवी पूछती है कि बिल्ला बिल्ला है ना बढ़ती है, कैसे काम होगा तेरा? यहाँ के जो अफसर से आपने कहा कि इस बारे में कि मेरे यहाँ पे आए दिन इसके चक्कर से झगड़े होते रहते हैं, कोई भी जो है आप मुझे कार्ड या कोई भी सर्टिफिकेट आप इसके लिए मुझे नहीं दे रहे हैं, तो इसकी वजह से ना कोई वेतन आपको यहाँ से प्रोवाइड करा, इसके लिए आपको वेतन वगैरह मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, वेतन भी नहीं मिल रहा है? नहीं। जब इसमें ज्वाइन करने के लिए जब आपने दौड़ निकाली थी, इस बीच आपने किसी को पैसे वगैरह भी दिए थे कोई? जी सर, मैंने एसकिन साहब को पैसे दिए थे 3,000 रुपए उसी टाइम उसी पीरियड में हाँ। तो उन्होंने क्या बताया था कि आपको? मैं आपको निकाल दूंगा सर, बदतमीजी से पैसे ले लिए मुझसे, और लिहाजा कहीं 17,000 रुपए रह गए वो दे देना, तो मैंने कही सर मैं दे दूंगा, पर अभी पैदा ना हो रहा है स्टेशन पे, जब पैदा होगा तो मैं दूंगा, मेरा काम कर दो साहब। बिल्कुल। बहरहाल आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस शख्स को पिछले 5 सालों से वेतन न मिला हो तो उसके परिवार की हालत क्या होगी। अब पैसे पैसे के लिए मोहताज पीड़ित परिवार में रोजाना लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। अब देखना ये होगा कि समाचार एक्सप्रेस न्यूज पर इस खबर के चलने के बाद क्या रेलवे प्रशासन जागेगा और इस पीड़ित को इंसाफ देगा, या फिर अपने ही विभाग के अधिकारी को बचाने के लिए इस पर पर्दा डाल देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बदायूं से चंद्रगुप्त की रिपोर्ट।